नमस्कार दोस्तों, इस साल का सबसे बड़ा लफड़ा क्या हो रहा है? इस साल सबसे ज़्यादा लफड़ेबाजी किस पार्टी में देखने सुनने को मिल रही है? तो आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में। सत्ता मिलने के बावजूद सत्ता पाने वाले लोग कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण यूपी से लेकर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में बदलाव लाने के लिए दिल्ली का चक्कर, दिल्ली का दौड़ लगाना शुरू कर दिया गया है। और भले ही मीडिया इस पर अपनी चाटुकारिता करने में लगी हो, लेकिन खबर पक्की है दोस्तों कि कैसे मोदी, शाह, योगी और बीजेपी के कई बड़े नेता एक दूसरे से खुलकर बगावत के सुर इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का किसी से बैठ ही नहीं रहा है, सब एक दूसरे से सिर फुटवल कर रहे हैं। और अब हालत ये हो गई है कि प्रधानमंत्री तक इन सिर फुटवल की खबर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर पर बुलाकर किस नेता से क्या बात कर रहे हैं, किसको क्या सुझाव दे रहे हैं, कौन किसकी क्लास लगा रहा है, वो सब एक एक करके आपको बताने वाली हूँ। आप सभी जान रहे हैं कि बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफ़ी उथल पुथल देखने सुनने को मिला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी कुछ देर पहले खबर आई थी कि मंत्रिमंडल का जो है फेरबदल होगा, मंत्रिमंडल चेंज किए करे जाएंगे योगी आदित्यनाथ के। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि योगी को छोड़िए, अमित शाह मोदी जी के पास मिलने को पहुँच गए हैं। अमित शाह जी, हाँ, चाणक्य जी मोदी जी के घर पर पहुंचकर बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। कुछ हुआ ही नहीं है दोस्तों, कुछ बड़ा हुआ ही नहीं है, बस ऐसे ही सब मीटिंग पे मीटिंग खेल रहे हैं। देखिए, उन तमाम चेहरों को भी दिखाऊंगी जो भक्ति में लीन है, और उन तमाम खबरों को भी बताऊंगी जो इस वक्त सियासत में और ज़्यादा गर्मी लाता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे ही इतनी उमस वाली गर्मी है, लेकिन इस उमस वाले गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, कैसे नेता ने अपने बड़े बड़े नेताओं को गर्मी दे दिया है। भागे भागे मोदी जी के घर पर बैठक चल रही है अमित शाह की। एक एक तस्वीर, एक एक खबर सबसे पहले आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा था। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले चला योगी और केशव प्रसाद मौर्य की लड़ाई की खबर दो फाड़ होने की बात, और फिर जेपी नड्डा के साथ मुलाकात। जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मिलते हुए नज़र आए, उसके बाद खबर आई कि अमित शाह से भी केशव प्रसाद मौर्य मिलते हुए नज़र आए। उसके बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लगातार मुलाकात का जो सिलसिला है वो देखने सुनने को मिलता हुआ नज़र आया है। और अब ये मेल मिलाप, ये खबर कहाँ कहाँ से पहुँच गई है बीजेपी के जो यूपी कैडर के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब एक घंटे की मुलाकात बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। सब कुछ ऐसा ही नहीं होता दोस्तों, जब ख़राब होती है किस्मत, जब सत्ता और कुर्सी छीनने लग जाती है तो ऐसे ही मीटिंग की जाती है, चाहे वो कोई भी नेता हो, फटाफट मीटिंग बुलाई जाती है। और यही मीटिंग अब दिल्ली में बुलाई जा रही है। योगी आदित्यनाथ को छोड़कर बाकी कई यूपी के बड़े नेता इस वक्त दिल्ली के दरवाजे पर अपनी निगाहें टिकाकर खड़े हुए हैं। देखिए, आज तक के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि यूपी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी ले सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पीएम मोदी से मिलने पहुँचे पहले गृह मंत्री अमित शाह से इन्होंने बात मुलाकात की है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक घंटे की मुलाकात और बात हुई है। और जैसे ही भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात बात हुई है, उसके फौरन बाद पीएम मोदी से मिलने के लिए उनके घर पर अमित शाह पहुंच चुके हैं। जी न्यूज़ के हवाले से आ रही है खबर, देखिए लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने अमित शाह पहुँचे हैं। अब आप सोचिए, हालाँकि इस के पीछे की खबर मीडिया नहीं दिखा रहा है, लेकिन हाँ, मीडिया ये ज़रूर बता रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ अटकलें लगी है। इनमें से क्या ही कहूँ मैं, क्या ही अपने ज़ुबान को गंदा करूँ, चलिए नाम ही ले लेती हूँ, सुशांत सिन्हा। देखिए ये क्या लिख रहे हैं,
सोशल मीडिया पर है, इसे आप पत्रकार की कैटेगरी में रखिए या जिस भी कैटेगरी में रखना चाहते हैं उसमें रखिए, क्योंकि मैं तो इन्हें पत्रकार नहीं मान सकती। पत्रकारिता वाली एक लक्षण नहीं है इनकी। हाँ, बीजेपी की प्रवक्ता वाली 100 के 100 गुण मिलते हैं, 136 गुण मिलना होता है, यहाँ पर तो 100 के 100 गुण इनके मिल रहे हैं, एक दूजे के वास्ते, यानी कि एक दूजे के लिए ही बने हुए हैं। देखिए क्या लिखते हैं, जो लोग खुद अपनी सीट तक नहीं जीत पाए थे उनके बयान का सेलेक्टिव हिस्सा लेकर माहौल बनाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री पद की कुर्सी खतरे में है, ऐसे लोगों को निराश ही हाथ लगेगी। मुझे नहीं लगता योगी कहीं जाने वाले हैं या मोदी उन्हें हटाने वाले हैं। यूपी में बीजेपी की कमियां दूर करने पर फोकस किए हुए हैं और उसका प्रयास साफ दिख रहा है। बाकी सीएम योगी को हटाने की मनोहर कहानियां चुनाव के पहले भी चल रही थी, आगे भी चलती रहेगी। कुछ ऐसे ही नहीं चलती है सुशांत सिन्हा जी, आप मीडिया के स्टूडेंट हैं या फिर दलाली के ही स्टूडेंट रह गए हैं? खैर छोड़िए, आपको मैं बताऊँ कि चल क्या रहा है। भूपेंद्र चौधरी मिल रहे हैं, उसके बाद अमित शाह मिल रहे हैं, और मिलने मिलाने की जो खबरें हैं वो लगातार मिलती हुई नज़र आ रही है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे भारतीय जनता पार्टी में बगावत ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त देखने सुनने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। भाजपा में अंदरूनी जंग चल रही है, इस बात को लेकर कई चैनल पर खबरें भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कलह, अंदरूनी फसाद, और या यूं कहें, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार एबीपी न्यूज़ पर बैठकर कह रहे हैं कि भाजपा में अंदरूनी जंग ज़बरदस्त तरीके से चल रही है, और तमाम चैनलों पर भी कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है कि लखनऊ की लड़ाई सुलह तक आई, भूपेंद्र चौधरी की पीएम मोदी से मुलाकात, पीएम मोदी से अमित शाह ने की मुलाकात, तो मतलब जंग तो चल रही है और इस जंग को ख़त्म करने के लिए पूरी कोशिश भी की जा रही है। किसके सर पर ठीकरा फोड़ा जाए, किसको, जी हाँ, किसको जो है बलि का बकरा बनाया जाए वो ढूंढा जा रहा है। फिलहाल अभी बलि का बकरा कोई मिल नहीं रहा है, लेकिन मुलाकात और बात का सिलसिला लगातार जारी है। आपको इस पूरे मुलाकात और बात की जो भी जानकारियाँ, जो भी खबर निकल कर सामने आएगी दोस्तों, ये तमाम जानकारी आपको एक एक करके देते हुए नजर आएंगे। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।